हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, बिकॉज व्हेनेवर आई विल अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। हमारे चैनल पर वोकैबुलरी सेशन सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के ऑलरेडी मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट टूडेज सेशन, दैट इज वोकैबुलरी सेशन सीरीज पार्ट 6। टूडेज फर्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड इज कार्प। द मीनिंग ऑफ कार्प इज छोटी छोटी बात पर शिकायत करना। अब आप देख सकते हैं इसकी ट्रिक इसके स्पेलिंग के अंदर ही है। कार्प की स्पेलिंग है CARP। जो कार्प के फर्स्ट 3 लेटर हैं, दैट इज कार, वही इसकी ट्रिक है। कार्प करने की तुम्हारी आदत है। कार्प यानी शिकायत करने की तुम्हारी आदत है। सो कार्प का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी छोटी बात पर शिकायत करना। कार्प करने की तुम्हारी आदत है। कार्प का सिनोनियम देख लेते हैं, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मीनिंग होता है कंप्लेंट अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे। किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना बहुत ही गुस्से में, तो ग्रम्बल इसका सिनोनियम हो जाएगा कार्प का। और एंटोनियम हो जाएगा कार्प का प्रेस। प्रेस का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। एक तरफ हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, कार्प कर रहे हैं, ग्रम्बल कर रहे हैं। एक तरफ हम किसी को प्रेस कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब कार्प का सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ ऑलवेज कार्पिंग अबाउट हिज बॉस। वह हमेशा अपने बॉस की शिकायत करता रहता है। तो कार्प का मीनिंग हो गया शिकायत करना छोटी छोटी बातों पर। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है दुख, पीड़ा। डिस्ट्रेस के अंदर आप स्पेलिंग देख रहे होंगे डिस्ट्रेस की, दैट इज दिस, और ट्रेस को ड्रेस बोल देंगे हम, क्योंकि ड्रेस और ट्रेस दोनों सेम साउंड कर रहा है। दिस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे डिस्ट्रेस होता है, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है। दिस ड्रेस, ये जो ड्रेस है, दिस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे डिस्ट्रेस होता है, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है। तो डिस्ट्रेस का मीनिंग हो गया दुख और पीड़ा। अब डिस्ट्रेस के सिनोनियम और एंटोनियम की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रेस का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्विश। एंग्विश का जो मीनिंग है वो होता है पीड़ा, और एंटोनियम हो जाएगा काम। काम मीनिंग शांत होता है, एंग्विश मतलब पीड़ा। तो ये डिस्ट्रेस के सिनोनियम और एंटोनियम्स हो गए। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। मैनी ऑफ द हॉर्सेस वर शोइंग साइन ऑफ डिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द रेस। कई घोड़े दौड़ के अंत, लास्ट समय पर दुख पीड़ा के साइन दे रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है डिस्ट्रेस का जो मीनिंग है वो हो जाएगा पीड़ा, क्योंकि जब रेस चल रही थी और रेस के बाद घोड़े के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने क्या दिया, साइन दिया पीड़ा का, दुख का। तो यहाँ से पता चलता है डिस्ट्रेस का मीनिंग हो गया पीड़ा, दुख, और डिस्ट्रेस का सिनोनियम हो जाएगा एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग होता है पीड़ा, और एंटोनियम हो जाएगा काल्म। काल्म मतलब शांत। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टो। बेस्टो का मीनिंग होता है अर्पित करना, किसी को कोई चीज देना। तो बेस्टो की आप स्पेलिंग देखोगे, उसी के जो फर्स्ट 4 लेटर हैं, दैट इज बेस्ट, वही इसकी ट्रिक है। बेस्ट दो, आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं अपनी सारी खुशियां बेस्टो कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा। आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं आपको अपनी सारी खुशियां बेस्टो कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा। तो यहां से हमें पता चला बेस्टो का मीनिंग अर्पित करना, दे देना। बेस्टो का जो सिनोनियम है वो है कॉन्फर। कॉन्फर ऑन, कॉन्फर का मीनिंग भी होता है ग्रांट करना, देना। एंटोनियम हो जाएगा विड्रॉ। विड्रॉ का मीनिंग होता है निकाल लेना वापस। अब बेस्टो का जो सेंटेंस है वो देखते हैं। इट वॉज अ टाइटल बेस्टोड अपॉन हिम बाय द किंग। यह शीर्षक, यह टाइटल उसे राजा के द्वारा दिया गया है, राजा के द्वारा बेस्टो किया गया है, राजा के द्वारा अर्पित किया गया है। तो जो बेस्टो का है मीनिंग हो जाएगा अर्पित करना, देना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट। आप देख रहे होंगे मैं ट्रिक जो है, जो वर्ड की स्पेलिंग है उन्हीं के अंदर से लेकर आ रही हूँ, तो ये बहुत आसान हो जाता है लर्न करना इससे। तो जो ट्राइट है इसका मीनिंग होता है घिसा पीटा, कॉमन, कोई चीज़ कॉमन हो, घिसी पीटी हो, दैट इज ट्राइट। अब ट्राइट के अंदर ट्राई, जो शुरू के 3 वर्ड है वो ट्राई की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, तो ट्राई इसकी ट्रिक हो जाएगी। ट्राई अगेन हम किसी को बोलते हैं जब कोई एक बार फेल हो जाता है कि कोई बात नहीं, ट्राई अगेन दोबारा करते रहो, दैट इज ट्राई, इसकी ट्रिक है। ट्राई अगेन, ये बात ट्राइट है, घिसी पीटी है, कॉमन है,
क्योंकि हर कोई बोल देता ना कि जब कोई फेल हो जाता है या नहीं हो पाता किसी से तो ट्राई अगेन, तो जो हर कोई करे वह चीज़ कॉमन होती है, ट्राइट होती है, घिसी पिटी होती है। सो ट्राइट का मीनिंग हो जाएगा घिसा पिटा, ट्राइट का ट्रिक हो जाएगा ट्राई, ट्राई अगेन ये बात ट्राइट है, घिसी पिटी है। ट्राइट का सिनोनियम देख लेते हैं हैकनेड, हैकनेड का मीनिंग भी ट्राइट ही होता है और घिसा पिटा होता है, और एंटोनियम हो जाएगा अनकॉमन, क्योंकि जो ट्राइट है उसको कॉमन भी बोल सकते हैं, तो जो इसका एंटोनियम है वो हो जाएगा अनकॉमन। अब ट्राइट का सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज़ अ ट्राइट सेइंग दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यह एक घिसी पिटी बात है, कॉमन बात है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित है, क्योंकि हमेशा बोल देते हैं ना कई लोग जब न्याय में देरी होती है तो तुम न्याय से वंचित रह गए, तो ये क्या कॉमन बात है, हर कोई बोल देता है, घिसी पिटी है, इट इज़ अ ट्राइट सेइंग। सो ट्राइट का जो मीनिंग हो जाएगा घिसा पीटा कॉमन, और सिनोनियम हो जाएगा हैकनेड और एंटोनियम हो जाएगा अनकॉमन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ड्रजरी, ड्रजरी का मीनिंग होता है डिफिकल्ट, मुश्किल, अनप्लीजेंट वर्क। अब इसकी ट्रिक देखो, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ड्रजरी की। ड्रजरी में आप जब देखोगे तो दर्द DRUD को हम दर्द बोल देंगे और आगे GERY को जरी, दर्द जड़ी बूटी से ठीक करना ड्रजरी है, डिफिकल्ट वर्क है, मतलब जो दर्द है वो जड़ी बूटी से ठीक करना बहुत ही ड्रजरी वर्क है, डिफिकल्ट वर्क है। तो यहाँ से ड्रजरी का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट वर्क। अब ड्रजरी का जो सिनोनियम है वो देख लेंगे मीनियल वर्क, जो मीनियल वर्क होता है उसका मीनिंग होता है छोटा काम, जो ड्रजरी का सिनोनियम है। और एंटोनियम हो जाएगा रिलैक्सेशन, फ्री फ्रॉम टेंशन, जब हम ड्रजरी वर्क कर रहे हैं तो हम बहुत ही मुश्किल वर्क कर रहे हैं तो हम टेंशन लेंगे, तो जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो रिलैक्सेशन, दैट इज़ फ्री फ्रॉम टेंशन। अब ड्रजरी वर्क, ड्रजरी को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, पीपल वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द ड्रजरी ऑफ देयर एवरी डे लिव्स, लोग अपने रोजमर्रा के डिफिकल्ट मुश्किल कार्य से दूर रहना चाहते हैं, तो यहाँ से पता चला ड्रजरी जो हो गया वो हो जाएगा मुश्किल कार्य, अनप्लीजेंट वर्क, क्योंकि मतलब हर कोई व्यक्ति जो है, जो ऑर्डिनरी पर्सन है, वो मुश्किल कार्य से मतलब जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो डिफिकल्ट कार्य आते हैं, डिफिकल्ट वर्क आते हैं, उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ से पता चला ड्रजरी का मीनिंग जो हो जाएगा डिफिकल्ट अनप्लीजेंट वर्क, सिनोनियम हो जाएगा मीनियल वर्क, एंड एंटोनियम इज रिलैक्सेशन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मीनिंग होता है व्यर्थ व्यय करना, मतलब व्यर्थ में खर्चा करना, जिस खर्चे की जरूरत नहीं हो वो खर्चा भी करना, दैट इज स्क्वेंडर। अब स्क्वेंडर की जो ट्रिक है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर स्क्वेंडर, स्प्लेंडर स्क्वेंडर, सेम साउंड कर रहा है इसलिए मैंने स्क्वेंडर से स्प्लेंडर ले लिया। ना उसकी जो ट्रिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, स्प्लेंडर बाइक, सबको पता है स्प्लेंडर एक बाइक है, स्प्लेंडर बाइक खरीद कर आपने सारा पैसा स्क्वेंडर कर दिया, आपने जो स्प्लेंडर बाइक खरीदी है उससे आपने खरीदा, तो आपका जो पैसा है वो स्क्वेंडर हो गया, व्यर्थ व्यय हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बाइक खरीदने की, तो आपने जो अपने पैसा का है अनुचित यूज़ करा है, तो आपका जो पैसा वो व्यर्थ व्यय हो गया, आपने बेफालतू का खर्चा करा है। तो स्क्वेंडर का मतलब हो गया बेफालतू का खर्चा करना, व्यर्थ व्यय करना, तो स्प्लेंडर बाइक खरीद कर आपने सारा पैसा स्क्वेंडर कर दिया, व्यर्थ व्यय कर दिया। अब जो स्क्वेंडर है उसका जो सिनोनियम है हो जाएगा मिस स्पेंड, मिस स्पेंड मतलब जहां जरूरत ना हो वहां पर खर्चा करना, वहां पर स्पेंड करना, तो मिस स्पेंड हो जाएगा इसका सिनोनियम, और एंटोनियम हो जाएगा एफ्लुएंट, जो एफ्लुएंट है उसका मीनिंग होता है धनी। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, ही स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी ऑन गैम्बलिंग, उसे अपना सारा पैसा व्यर्थ व्यय कर दिया, कहाँ पर व्यर्थ व्यय कर दिया, जुए में, गैम्बलिंग में। तो यहाँ से पता चला स्क्वेंडर का मीनिंग व्यर्थ व्यय करना, स्क्वेंडर्ड कर देना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कल्पेबल, कल्पेबल का मीनिंग होता है गुनहगार, कल्पेबल, आप देख रहे होंगे स्पेलिंग के अंदर से ही हम ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं, तो कल CUL कल, पी पे बल BLE बल, कल्पेबल हमेशा, मतलब जो हमेशा कल्पेबल डालता है वो कल्पेबल होता है, गुनहगार होता है। बिल्कुल भैया, वो कल्पेबल डालने का तो टाइम है ही नहीं आजकल, क्योंकि आजकल कोरोना वैसे चल रहा है तो कल्पेबल नहीं डालना है, तो कल्पेबल अगर आप डालोगे तो आप गुनहगार हो, क्योंकि आप अपना कार्य, अपना वर्क पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्या हो जाओगे, कल्पेबल हो जाओगे, गुनहगार हो जाओगे। अब कल्पेबल के जो सिनोनियम है वो देख लेते हैं, जो कल्पेबल का सिनोनियम है दैट इज गिल्टी, गिल्टी का मीनिंग होता है दोषी,
गुनहगार दोषी दोनों सेम सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए गिल्टी जो है कल्पेबल का सिनोनियम हो जाएगा, और जो एंटोनियम है वो है इनोसेंट, जो इनोसेंट का मीनिंग होता है मासूम। तो दोनों डिफरेंट है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे से, एक तो मासूम एक दोषी और एक गुनहगार। तो जो कल्पेबल है उसका सिनोनियम गिल्टी हो जाएगा और कल्पेबल का एंटोनियम इनोसेंट हो जाएगा। इसका सेंटेंस देखते हैं हम, हु इज द पर्सन कल्पेबल ऑफ दिस ब्रूटल मर्डर, हु इज द पर्सन कल्पेबल ऑफ दिस ब्रूटल मर्डर, इस ब्रूटल मर्डर इस क्रूर हत्या का गुनहगार कौन है। तो यहां से पता चलता है कल्पेबल का मीनिंग गुनहगार। नाउ हैकल, हैकल का मीनिंग होता है सवालों से बात काटना, मतलब कोई व्यक्ति जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस व्यक्ति की बात काटने लगे सवाल पूछ पूछ कर, दैट इज हैकल। वो क्या कर रहा है, वो हैकलिंग कर रहा है। अब हैकल की ट्रिक देख लेते हैं, हेकल, हेकल इसकी ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि हैकल हेकल हैकल हेकल सेम सेम साउंड कर रहा है, दैट इज हेकल से तुम हैकल सवालों से बात काट रही हो, मतलब कल से तुम क्या कर रही हो, सवालों से बात काट रही हो मेरी, कल से तुम हैकलिंग कर रही हो मेरे साथ। अब हैकल का जो सिनोनियम है वो देख लेते हैं, जियर, जियर जो है हैकल का सिनोनियम है, और जियर का जो मीनिंग होता है वो होता है मजाक उड़ाना, एंटोनियम हो जाएगा चियर, हैकल का जो एंटोनियम है दैट इज चियर। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं, अ फ्यू एंग्री लोकल्स स्टार्टेड हैकलिंग, कुछ गुस्साए स्थानीय लोगों ने बात काटना शुरू कर दिया, मतलब कुछ जो गुस्सा हो रखे थे स्थानीय लोकल लोग, उन्होंने हैकलिंग करना चालू कर दिया, उन्होंने बात काटना चालू कर दिया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डैबनेर, डैबनेर का मीनिंग होता है खुश मिजाज। अब डैबनेर देवानंद, हम डैबनेर को देवानंद से लिंक कर याद करने की कोशिश करेंगे। देवानंद एक डैबनेर खुश मिजाज नर थे, जो देवानंद थे वो एक डैबनेर किस्म के इंसान थे, उनका जो मिजाज था वो खुश मिजाज था। तो यहाँ से पता चलता है डैबनेर का मीनिंग खुश मिजाज। सिनोनियम है डैबनेर का अरबेन, जो अरबेन का मीनिंग होता है अ मैन हु इज पोलाइट इन मैनर, जो पोलाइट इन मैनर होता है दैट इज वो व्यक्ति खुश मिजाज ही होता है एक किस्म का। तो जो अरबेन है वो डैबनेर का जो हो जाएगा सिनोनियम हो जाएगा। एंटोनियम हो जाएगा क्लमजी, जो क्लमजी का मीनिंग होता है वो होता है बेढंगा भद्दा। सो यहाँ पर क्लमजी जो है एंटोनियम हो जाएगा डैबनेर का और सिनोनियम हो जाएगा अरबेन। सेंटेंस देखते हैं, देवानंद वॉज अ डैबनेर यंग मैन, जो देवानंद थे वो एक खुश मिजाज यंग मैन थे अपने टाइम पर। तो यहाँ से पता चलता है डैबनेर का मीनिंग खुश मिजाज। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कारकेस, कारकेस का मीनिंग होता है मृत शरीर पशु शव, जो पशु शव होता है मतलब कोई पशु मर गया और उसका शव है दैट इज कारकेस। वो क्या है, कारकेस है। अब कारकेस की जो ट्रिक है वो ये हो जाएगी, कार सी ए आर कार और ए डबल एस एस, कार से एस के एक्सीडेंट, मतलब कार से एस का एक्सीडेंट हो गया, एस एक व्यक्ति है, होने के बाद डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है कारकेस को बुरी कर दिया, हमने दबा दिया, कार से एस के एक्सीडेंट होने के बाद डेड बॉडी को हमने दबा दिया दैट इज बुरी कर दिया हमने। अब कार के इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा कॉर्प्स, और जो एंटोनियम है हो जाएगा वो सोल। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, वल्चरर्स फ्ल्यू अराउंड इन द स्काई वेटिंग टू पिक एट द रोटिंग कारकेस ऑफ द डियर, जो वल्चर्स हैं आसमान में चारों ओर उड़ान भरी, जो वल्चर्स हैं उन्होंने आसमान में चारों ओर उड़ान भरी और वो हिरन के जो सड़ते हुए शव के लिए प्रतीक्षा किए जा रहे थे, मतलब जो हिरन का जो सड़ा हुआ शव था उसको खाने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है जो कारकेस है उसका मीनिंग होता है पशु शव, एंटोनियम है कॉर्प्स और सॉरी एंटोनियम है सोल, और जो सिनोनियम है वो है कॉर्प्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए अगर कोई भी डाउट है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक